ज्वाइंट फैमिली न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ जाया का बेटा और मैं हूँ कुप्पो की बेटी और हम रखते हैं खानदान के हर फर्ज की खबर। चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। जराए से मालूम हुआ है कि इस महीने बिजली का बिल सबसे छोटे वाले चाचू को अदा करना है, जिसकी वजह से उनकी अपनी बेगम से नोकझोंक भी हुई है। छोटी चाची का कहना है कि वो बिल अदा क्यों करें, उनके कमरे में ना तो एसी है और पंखा भी बिला वजह नहीं चलता। आइए छोटी चाची से बात करते हैं। इस वक्त हमारी रिपोर्टर शकूरन मासी उनके पास मौजूद है। जी शकूरन, क्या कहना है छोटी चाची का? इस वक्त मौजूद है हम चाची के साथ उनके किचन में और चाची बना रही है अपने हस्बैंड के लिए खाना। आइए जानते हैं माजरा क्या। जी चाची, घर में सबसे कम तनख्वाह इनकी है मगर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट ये करते। बड़े भाई का क्या काम है, इस बिल की लास्ट डेट है, अब भर देना। जी बहुत बहुत शुक्रिया शकूरन मासी आपका। और अभी ताजा तरीन इतला आई है कि पुप्पो ने अपने भतीजे को सिगरेट पीते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे अपने रिपोर्टर चौकीदार बाबा से। जी चौकीदार बाबा, क्या रिपोर्ट है आपके पास? जी नाजरीन, ये वो लड़का है जो कंबाइन स्टडी का बहाना करके अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा था। पुप्पो जब दही मंगवाने के लिए कमरे में गया है तो उन्होंने सिगरेट का धुआं महसूस किया है। जी ये बताइए, क्या सिगरेट हाथ में देखी गई है? नहीं जी, सिगरेट हाथ में नहीं देखा गया, इसीलिए लड़का लोग कह रहे हैं कि हम तो बारबेक्यू का प्रैक्टिस कर रहा था। जबकि पुप्पो का कहना है कि वो गोला कबाब के धुएं में और सिगरेट के धुएं में फर्क कर सकता है। जी तो आगे क्या लाया अमल अख्तियार किया जा रहा है? क्या लड़के की शादी करने की तजवीज पेश की गई है या उसे कोई और सजा दी जाएगी? नहीं जी, शादी का तो कोई बात नहीं हुआ। दादा का कहना है कि इसको दुबई भेज दिया जाए, जबकि लड़के का अम्मी का कहना है कि इसका एक मामू ऑस्ट्रेलिया में है, इसे वहाँ भी भेजा जा सकता है। जी ये बताइए चौकीदार बाबा, लड़के का क्या कहना है इस सूरत हाल पे? वो लड़के का कहना है जी कि मैं पढ़ाई छोड़ के स्टार्टअप करना चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ के मेरे बड़ों ने क्या उखाड़ लिया है जो मैं उखाड़ लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया चौकीदार बाबा आपका। वो सुने सुने भाईजान, वो हमारा अब तनख्वाह अभी तक नहीं दिया है, उसके लिए कुछ हेलो लगता है नाजरीन के हमारा वक्त मुनकता हो गया चौकीदार बाबा से।